अभ्यास भी ऐसा ही है, जब तक बारी नाम तुम लेते रहते हो तब तक यूं समझो कि फिजूल की जमा खर्ची है ये। अंतर में जब तक प्रवेश नहीं करते हो, रूहानी मंडलों में जब तक नहीं आ पहुंचते हो, तब तक आपका ज्ञान ध्यान नाम सब झूठा है। वो कैसे होगा कि नित्य प्रति के अभ्यास करोगे, ध्यान में बैठोगे, एकाग्र चित्त होगे, फालतू बातों को त्याग दोगे, निश्चिंत होके जब किसी चीज के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहेगा, चाहे 2 मिनट के लिए बैठो, टाइम की पाबंदी लगा दी, आपको कह दिया 2 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठने से क्या हो जाएगा जब आपका मन नहीं टिकता है, जब नियत हमारी खोटी है, विचार हमारा नहीं है, तो चाहे तुम 2 घंटे के अगर कितनी देर भी बैठोगे तो बैठे रहो, ख्याल तुम्हारा कहीं दौड़ता रहेगा। लेकिन सही बात क्या है कि सही तुम चाहे 2 मिनट के लिए बैठोगे और उस 2 मिनट के बैठने में तुम एकदम सब कुछ भूल जाओगे, अपने आप को भी जब भूल जाओगे, सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, वो सिर्फ सुरत का साधना है। और उस थोड़े सी देर में जो आपको आनंद अनुभूति और जो शब्द का सुनना या गुरु के नूरी रूप को देखना आपको जब दिखाई देगा, तब आप कहोगे कि असल भक्ति क्या चीज है, ये है। अब उस चीज को तो जानते ही नहीं है, हम तो दूसरे पाखंडों में पड़ गए, सुनी सुनाई बातों को सुन लिया और इधर से उधर, उधर से उधर, बक बक झक झक करके समय को बर्बाद कर दिया। संत मत को इसीलिए करणी का रास्ता बताया है, ये करणी का भेद कया है, बुद्धि विचार नहीं है इसमें, चतुराई नहीं है इसमें, कोई ये नहीं कि बातों से काम चल जाएगा, ये कोई परीक्षा नहीं है, बातों को सीख के तुम इम्तिहान को पास कर जाओगे, तुम्हें पदवी मिल जाएगी या कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुम पास होगे, नहीं। इसमें पास फेल का परिणाम कब होगा, जिंदगी के अंत में होगा। अगर तुमने कुछ कर भी लिया, हासिल कर भी लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद छोड़ दोगे, छोड़ दोगे तो वही रह जाएगा, चलती का नाम गाड़ी है। और ये आध्यात्मिक गाड़ी तो जीवन पर्यंत चलेगी, चलती रहेगी। ऐसी आदत बनाओ कि जिस प्रकार से अपने जीवन को जीते हो, रोजाना के जीवन में इसको जीते हुए भी उसी तरह से एक अंग बनाओ कि जिसके कारण जैसे खाना टाइम पे खाते हो, सोते टाइम पर हो, पीते हो, बोलते हो, प्रभु का नाम भक्ति भी एक समय बना के उसके लिए जरूर समय निकालो। लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि हमारे जीवन को बनाने वाली, हमारी बुराइयों से निजात दिलाने वाली, इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली एक ही चीज है। लेकिन जब तक हम दिल से सच्चे नहीं होते हैं, जब तक हमारा ये बारी जीवन सही नहीं है, जब तक हमारा आपस में प्यार, भक्ति नाम प्यार का है, प्रेम नहीं है, नहीं कहा ना, प्रेम गली अति सांकरी ता मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी तंग है कि उसमें दो चीजें नहीं समा सकती, जहां मैं है वहां तू नहीं है, जब तू आ जाता है तो मैं नहीं रहती है, ये जब तू ही तू आ जाएगा तो मैं और मेरा भी खत्म हो जाएगा। तो ये घर है प्रेम का, रखाला का घर ना, शीश काट भूत लद्रत तब पहुंचे घर मां। उस घर में पहुंचने के, मौसी का घर नहीं है ये घर प्रेम का है। मौसी का घर होता तो कुछ भी खा ले, कुछ भी ले ले, कुछ भी करे, नहीं रोकती मौसी, प्यार करती है उससे। लेकिन किसका घर है? प्रेम का घर। और प्रेम का घर क्या चाहता है? कुर्बानी चाहता है। और बड़ी कुर्बानी क्या है कि गर्दन की, सिर की। और सिर क्या है? अहंकार। और अहंकार में क्या आता है? मैं, मेरा और मेरी ये सब वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, ये मरती नहीं है। ये जब तक नहीं मरती है, तब तक मेरापन जब तक खड़ा है, तब तक भक्ति करने के लायक नहीं है, हम नहीं चल सकते। हमने गुरु महाराज से शिक्षा ली थी, मैंने अपनी तरफ से, मैं एक लफ्ज ना जानता हूं न कह सकता हूं, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, मुझे तो शरीर रूप में थे जब भी, अब भी मुझे साक्षात रूप में प्रकट होके हर प्रकार की बातों से अब भी लगातार वही शिक्षा मिलती रहती है। मैं ना कुछ जानता हूं, लेकिन जब गुरु को अपने मस्तिष्क में एक बार याद करता हूं, तो सारा का सारा जो कुछ होता है वो सब उन्हीं की कृपा से। इस जबान से क्या का क्या बुलवाते हैं, क्या का क्या कहलवाते हैं। हाँ, मुझे इस बात की खुशी जरूर होती है
कि जो शिक्षा मैं आपको देता हूं मैं अपनाता भी, जो आपको बताता हूं ये मेरे लिए भी उतनी मानता हूं। तुम शायद उतने एकाग्र चित होकर नहीं सुनते होगे जितना मैं सुनता हूं। जितना इन सत्संगों से मुझे फायदा होता है, मैं चाहता हूं कि उतना ही फायदा अगर आपका भी हो तो आपका भी जीवन संवर जाएगा। लेकिन अपनाना सीखो, ये रास्ता है बड़ा कठिन, बहुत कठिन है, समझने में बहुत टाइम लगता है। गुरु के हाजिर होते हुए, देह रूप में होते हुए मैं भी नहीं जानता था, लेकिन वो तो उनकी कृपा थी, उनका प्यार था कि उन्होंने फिर भी मेरे ऊपर मेहर का हाथ रखा, और वो हाथ अब भी है। जब देह रूप में था, अब सूक्ष्म रूप में है। गुरु जाते ही नहीं है, ये मूर्ख आदमी वो काम है जिन्होंने गुरु को नहीं जाना उनके लिए गुरु चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने गुरु को जान लिया उनके लिए गुरु हाजिर नाजिर लेके काम करते हैं। तो आप सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा, आपकी बुद्धि को ठीक रखे, अच्छे काम करवाए, भक्ति के मार्ग पर चलाए, बुराइयों से आपको बचाए, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चला के आपके जीवन को सफल बनाए, आपको सुख शांति समृद्धि खुशहाली दें और भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाएं। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी नाम सुमर मन
मन में
Radha Sundara.